लेकिन जो मुझे आज समझ आई है दो चीज़ें हैं। एक तो वो तोहीने आईजी वाला एक मुकदमा है, उसमें कोई 15 बंदे और इन्वॉल्व हैं, उनमें से सिर्फ मेरा अकेले का नाम ईसीएल पे है। हालांकि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसको अदालत ने जमानत कंफर्म की है इस बुनियाद पे कि ऐसी अजीब सा बनाया हुआ है, बाकी किसी का नाम ईसीएल में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियाँ कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ। एक केस में मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल पंप बना बना के मारे थे और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने की थी और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे, मुझे पता चला। फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिन अंदर रखा। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है किसी जगह पर, मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएंगी, हमें भी मिल जाएंगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। तोहीने आईजी भी है, तोहीने आईजी है। देखिए, यहाँ सबकी तोहीन होती है, तोहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तोहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती, वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तोहीन नहीं होती, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में जिंदगी की हुई है, उसके अलावा सबकी तोहीन होती है। और मजे की बात यह है, जिन लोगों को तोहीन से बचाने के लिए ये हतक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हतक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा कि राणा सनाउल्ला ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौका, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राणा साहब ने मौका दे दिया, मेरे ख्याल ठीक मौका दिया। देखिये, मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग है ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराव, सॉरी मैं माजरा चाहता हूँ, आपने लफ्ज गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज्जतदार तबका है एक, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि जी हम इनको नहीं पहचान पा रहे, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं और ये कौन लोग हैं। अब वजाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ हसन साहब के दुश्मन हैं, उन्होंने भेस बदल के खवातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ नहीं। अच्छा इमरान राज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर मिच्योर हुई या अभी तक नहीं? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाई, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है, और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफियात को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह मौसिस जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। देखिए, ये दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं इस वक्त, ये अननेचुरल है। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इलाक हो जाता है, तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलाइंस नहीं है, या ये इस तरह का अलाइंस नहीं जिसपे आप, आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है, ये आपको, इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इमरान खान साहब को गियर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को, क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पर, तो उनको फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ी हुई। तो ये ज़रूरत का एक अलाइंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली हैं मैच की, उसको बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। और रिहाई को कैसे देख रहे हैं? कैसे लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो, तो रास्ते बहाल हो। 10 महीने बंद करके, पसलियां तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके, जाली केसों में, अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं? तो फिर आपको निजाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे ये बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स लिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अहमद फरहाद के लिए, मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं, और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे, और हमने उनकी फैमिली से भी रابطہ किया है।
हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ है। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क्स जो जज साहब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से और बाकी कई लोगों की तरफ से, देखिये ये तौहीन अदालत का मामला, वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात है, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए, उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो एक अलग बात है। देखिए वहाँ पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज्यादा बड़ा है, वो निज़ाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छूट है, तो आपको लगता है इस वक्त भी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना? जजेस को खत मसूल कॉलें मसूल की जाती है, वो कैसे रूल ऑफ लॉ का बोलबाला कर सकते हैं? देखिए जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है, वो तो आपको नजर आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी और वो चल रही है। क्या चीज क्या चीज रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार खत्म किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को और मीडिया की जो है एक तरफ फिर गला घोटा जा रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सोल्यूशन है ना, ये एडहॉक किस्म की चीजें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है इनके बारे में, सब सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे हैं ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना। मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूँ बगैर कानून के ही। भाई किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निजाम, ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सजा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी, हाँ तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है भीख के अंदर मिलती है तो फिर इस तरह के कानून बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिश्वर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे, उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए जमीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना, तो फिटे मुंह फिर कर लें हुकूमत। कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखिए ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहाँ पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो ना 150-200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे आप? 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे। कदम अच्छा है लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीजन ये है, जो ढूंढने वाली चीज है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वहां बने क्यों हैं, उनके पीछे कौन है, वो किसका काला धन है जो वहां पर पहुंचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के इस धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तालिबे इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर, और वहां के लोग पाकिस्तानी तुलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं, ये मुझे वहां लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहां पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तुलबा के अंदर एक रिएक्शन है स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, ये वहां पे तुलबा ने मुझे ये बात बताई है। एनीथिंग केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीए के लिए बड़ी आवाज उठाई, कोई पीटीए का अच्छा ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और साफी के साथ जाती होती थी नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसी साफी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बात जमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है कि जितना जुल्म इस वक्त साफियों के साथ हुआ, जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सदीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की
एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए और लड़ाई है आज़ादी इजहार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सजा काट रहा है उसके साथ जाके इजहार एकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इख्तदार के लिए है तो फिर वो बिल्कुल ठीक।